पर खरीद सरसों एवं चने की आज से खरीद प्रारंभ। चने और सरसों के लिए 635 और 635 खरीद केंद्र के लिए यहां पर स्थापित किए गए हैं। खरीद के लिए 25 मार्च से शुरू कर दिया गया था ऑनलाइन पंजीयन। इसके साथ ही चना खरीद पर 5.97 लाख मीट्रिक टन, सरसों का 13.3 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य। इसके साथ ही सरसों का 5,050 रुपए और चने का 5,230 रुपए समर्थन। निर्मल, इस तरीके से जो ये खबर सामने आ रही है कि आज से ही समर्थन मूल्य खरीद पर सरसों और चने की खरीद। सरसों और चने की आज से खरीद प्रारंभ। चने और सरसों के लिए 635 खरीद केंद्र किए गए स्थापित। खरीद के लिए 25 मार्च से शुरू कर दिया गया था ऑनलाइन पंजीयन। चना खरीद का 5.97 लाख मीट्रिक टन, सरसों का 13.3 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर अगर सरसों की हम यहाँ बात करें तो सरसों का 5,050 रुपये और चने का 5,230 रुपये समर्थन। जुड़ गए हैं निर्मल। सरसों और चने की आज से खरीद प्रारंभ हो रही है, समर्थन मूल्य पर यह खरीद प्रारंभ हो रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रीति, किसानों के लिए राहत भरी खबर कही जा सकती है इसको, कि प्रदेश के अंदर जो समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस जो जारी करती है सरकार, उस पर आज से कुल मिलाकर के 1270 खरीद केंद्र, यानी 635 खरीद केंद्र तो चने के लिए और 635 खरीद केंद्र सरसों की जो खरीद होगी समर्थन मूल्य पर उसके लिए स्थापित कर दिए गए हैं। आज इन पर खरीद की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। जो किसान है वो अपनी फसल, जो अपनी पैदावार थी चने की और सरसों की, वो खरीद केंद्रों पर लेके पहुंचेंगे। हालांकि इसके लिए 25 मार्च से ही जो था ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया गया था, यानी जिन किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया एमएसपी के लिए, वो आज से अपनी चने और सरसों की पैदावार को बेच सकेंगे। और बड़ी बात यह है, देखिए इसमें राजफेड के जरिए जो खरीद की जा रही है उसमें चना जो है उसके लिए 5,97,000 मीट्रिक टन और सरसों के लिए 13,03,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। तो सीधे तौर पर अच्छी बात यह भी है कि इस बार जो सरसों का जो समर्थन मूल्य है उसको 5,050 रुपए प्रति क्विंटल और चने के लिए 5,230 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, राजफेड की जो एमडी है सुषमा अरोड़ा वो तमाम खरीद की मॉनिटरिंग करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किसानों को अब ना तो किसी तरह के आड़तिए ना किसी बिचौलिए के उसमें पड़ना पड़ेगा, सीधे अपना ऑनलाइन पंजीयन कराए, अपना खरीद केंद्र पर जाकर अपनी पैदावार को बेचे और जो उसका जो पैसा होगा उस फसल का वो उसको ऑनलाइन उसके खाते में डाल दिया जाएगा। यानी किसी तरह का कोई किसी को ना तो किसी को कमीशन देना है, ना किसी को दलाली देनी है, ना किसी बिचौलिए के चक्कर में फंसना है। कहा जा सकता है कि इससे किसानों को राहत मिलेगी और जो किसान कोरोना के दौर में जो पीड़ित थे, आर्थिक तंगी उठा रहे थे, समर्थन मूल्य पर अपनी पैदावार को अगर खरीद केंद्र पर जाके, मंडी के अंदर खरीद केंद्र पर जाके बेचेंगे तो निश्चित तौर पर उनको उनकी फसल का पूरा पैसा भी मिलेगा और जो निर्धारित एमएसपी है वो उनको उनके ऑनलाइन खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए निर्मल बहुत बहुत धन्यवाद।